नमस्कार, न्यूज हंट में आपका स्वागत है। मैं वारिस मिर्जा। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी आखिर कौन होगा। जी हां, सबसे ज्यादा इस रेश में अगर नजर आ रहे हैं तो योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। अगर हम सी वोटर सर्वे की बात करें तो सी वोटर सर्वे ने अमित शाह को 25% माना है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी होंगे, तो वहीं सी वोटर ने 24% माना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे प्रधानमंत्री के उत्तराधिकारी। लेकिन हाँ, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा है कि अभी तो कोई वैकेंसी खाली नहीं है। जी हाँ, अभी प्रधानमंत्री के ही फेस पर 2024 का चुनाव होगा। तो आइए जानते हैं क्या कुछ भूपेंद्र चौधरी ने कहा। पीएम मोदी की कौन लेगा जगह, सीएम योगी या अमित शाह? जानिए भूपेंद्र चौधरी ने क्या दिया जवाब। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पीएम फेस के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अमित शाह पर हुए सवाल का जवाब दिया है। यूपी समेत पूरे देश में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं बीते दिनों आए सर्वे में नजर आया कि जनता अभी भी बीजेपी के पक्ष में है और अगर चुनाव होता है तो फिर से पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलेगा। अकेले बीजेपी को यूपी में 70 सीटें मिलने का अनुमान है। इसी बीच एक और सर्वे आया है जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर सवाल हुआ। खास बात यह है कि उत्तराधिकारी के तौर पर सर्वे में दोनों दिग्गज नेताओं में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। जब इस मुद्दे पर यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से बात हुई तो उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा, बीते 9 सालों में पीएम मोदी के नेतृत्व में जैसा काम हमारी सरकार ने किया है, इसके अलावा लगभग 6 वर्षों में राज्य सरकार ने काम किया है, उस काम को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि सारे विषयों को लेकर हम जनता के बीच में हैं, जनता से हमारा संपर्क बना हुआ है, हम अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में जाएंगे। मुझे विश्वास है कि जो हमारा लक्ष्य है उसे प्रदेश की जनता पूरा करेगी। इसके अलावा सीएम योगी की लोकप्रियता पर जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि यूपी सरकार ने योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम किया है। हमारे एजेंडे से जुड़े विषय बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, इन सब पर सरकार ने अच्छा काम किया है। जब उनसे पीएम मोदी के उत्तराधिकारी पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि अभी कोई वैकेंसी तो है ही नहीं। 2024 का चुनाव पार्टी पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ेगी। अब पीएम के काम और उनके नाम को लेकर ही जनता के बीच जाएंगे। आपको बता दें, इंडिया टुडे और सी वोटर के ताजा सर्वे में पीएम मोदी के उत्तराधिकारी के तौर पर सीएम योगी को 24% और गृह मंत्री अमित शाह को 25% वोट मिला है।